ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 200 कब आने वाली है, क्या प्राइस आने वाला है, कैसी दिखने वाली है वो बाइक, क्या क्या चीजें आपको उस बाइक के अंदर देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर जो अभी केटीएम की बाइक्स आती है उसके अंदर जो है आपको कौन कौन से मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से कलर्स देखने को मिलते हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है, अपडेट क्या है न्यू ड्यूक 200 का, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो बाइक सिस्टम में आती हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है ड्यूक 250, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 2,90,000 रुपए के अंदर ये बाइक का प्राइस आपको देखने को मिलता है। व्हाइट ऑरेंज का आपको ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है विद ऑरेंज अलॉय व्हील्स। इसका सेकेंड कलर, सारे कलर, सारे मॉडल्स मैं आपको हर एक बाइक के दिखाने वाला हूँ। यह है ड्यूक 250। फिर अगर हम बात करें ड्यूक 390 उधर खड़ी है, दिस इज द अमेजिंग ड्यूक 390। कुछ इस प्रकार से जो ओवरऑल आपको लुक देखने को मिलता है इस बाइक का, यहाँ पर जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स। ऑलमोस्ट 400 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कंप्लीट TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है कलर्ड वाला, 320 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक आते हैं, क्विक शिफ्टर प्लस आपको देखने को मिलता है, ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, 240 मिलीमीटर का रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, राइडिंग मोड्स आते हैं, राइड बाय वायर थ्रॉटल आता है, स्लीपर क्लच आता है, हैजार्ड लाइट ऑप्शन आता है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आते हैं जो एक आपको अच्छी परफॉर्मेंस बाइक के अंदर मिलने चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बाइक इन इंडियन मार्केट। फिर अगर हम बात करें फेयर कैटेगरी के बारे में, तो RC 200 सबकी चहेती कुछ इस प्रकार से आती है, ऑलमोस्ट 2,54,000 रुपीज प्राइस आता है लगभग यहाँ पर ऑन रोड जयपुर के बारे में बात करूँ, एंड RC 200 कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, बहुत ही प्रीमियम फेयर कैटेगरी की बाइक है, LED हेडलाइट क्लस्टर आता है, यहाँ पर अच्छा इंजन है, अच्छा माइलेज है, ब्रेक्स बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, लुक जो है आपको काफी डिफरेंट एक मोटो जीपी इंस्पायर्ड बाइक का देखने को मिलता है। इसका जो सेकंड कलर है दैट इज दिस जीपी कलर, वन ऑफ माय फेवरेट कलर, आप देख सकते हो कितना प्रीमियम लगता है ये जब भी पेडॉक पे रहता है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के अंदर बाइक है, ब्लैक अलॉय व्हील्स है, सुपर्ब लुक आता है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स, मुझे ये वाला कलर सबसे ज्यादा सही लगता है, और ये वाला कलर मुझे RC 390 के अंदर भी सबसे अच्छा लगता है। सो कुछ इस प्रकार से कलर आता है यहाँ पर RC 200 का। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूक 250 के सेकेंड कलर के बारे में, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है वो एक्जैक्टली यहाँ पर ड्यूक 390 जैसा आपको देखने को मिलता है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूक 250, ड्यूक 250 का ब्लू कलर है, बिल्कुल ड्यूक 390 जैसा देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से बाइक का लुक आपको देखने को मिलता है। 2,90,000 रुपए प्राइस है इस बाइक का। फिर अगर हम बात करें ड्यूक 200, सबकी चहेती, सबकी फेवरेट बाइक, ओल्ड डिजाइन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बाइक का, इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 2,30,000 रुपए आता है। इसका जो सेकंड कलर है विच इज दी ग्रे कलर, सो वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है ग्रे कलर, एंड इसका प्राइस जो है 2,30,000 रुपए है। अभी बाइक के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो है सारे अपडेट्स बताने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग यहाँ पर वीडियो होने वाली है, ये आपको मजा आ जाएगा। LED हेडलाइट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है, 300 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है, अभी 119.5 सीसी का इंजन आता है जो पंप आउट करता है, काफी अच्छी पावर टॉर्क बहुत शानदार है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है ऑलमोस्ट आपको 35 किलोमीटर पर लीटर के देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, स्प्लिट सीट आती है, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है, ये वैसे E20 पेट्रोल वाली बैजिंग लेटेस्ट बाइक है, पीछे 230 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक आता है, 150 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलता है, LED टेल लाइट आती है, LED इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा स्विंग आर्म देखने को मिलता है, पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से आती है। इस समय ड्यूक 200 अभी इस समय जो आपको देखने को मिलती है इसको आप 2,30,000 रुपए देके खरीद सकते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट आप 50,000 रुपए की दो और ये बाइक अपने घर आप ले जा सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो न्यू ड्यूक 200 आने वाली है उसका सबसे पहले यहाँ पर प्राइस क्या रहने वाला है। सो जो प्राइस रहने वाला है न्यू ड्यूक 200 का वो जो है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा आपको ड्यूक 200 जैसा, इसका भी प्राइस है 2,30,000 रुपए, उसका प्राइस मैक्सिमम 2,40,000 रुपए के आसपास आएगा, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो है बाइक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, सो देखने को मिलने वाला है आपको ड्यूक 250 जैसा लुक, बिकॉज यहाँ पर जो है ड्यूक 250 जैसा ही आपको डिजाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी ड्यूक 200 न्यू वर्जन के अंदर, एंड दिस इज हाउ दिस बाइक विल लुक लाइक। जो इंटरनेशनल वेरियंट आता है यहाँ पर ड्यूक 125 का,
वो बिल्कुल यहाँ पर ड्यूक 250 जैसा देखने को मिलता है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर इंटरनेट पर जाके। एंड बाकी जो न्यू ड्यूक 200 आने वाली है उसका लुक भी जो है बिल्कुल ड्यूक 250 जैसा रहने वाला है। जो इंजन आने वाला है वो सेम 110.5 सीसी का आने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पर जो है आपको क्विक शिफ्टर जो देखने को मिलता है वो वहाँ पर ड्यूक 200 के अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है। साथ में 320 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, बिकॉज आरसी 200 में भी जो है 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। बाकी ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम सेम, स्विंग आर्म सेम, सीट कम्फर्ट सेम, सीट हाइट रियर टायर सेम, आपको टेल लाइट इंडिकेटर्स भी सेम देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको सेम देखने को मिलेगा, नॉन कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले। एंड यहाँ पर जो है आपको हैजार्ड लाइट, नेविगेशन बटन्स, हाई बीम लो बीम पास, इंडिकेटर हॉर्न, राइट साइड में किल स्विच इग्निशन स्विच, और ये सब चीज जो है आपको एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी, इसमें आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी हेडलाइट क्लस्टर का लुक भी जो आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड WPFX के अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम तो आने ही है। बाकी 110.5 सीसी का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, सेम 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। यहाँ पर जो है आपको सीट हाइट भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, बाकी जो है सीट कंफर्ट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। बस अंतर यह है कि इस बाइक के अंदर आपको जो है क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर जो है आपको बाइक के अंदर बेटर पावर देखने को मिलती है। बाकी न्यू ड्यूक 200 जो आने वाली है उसके अंदर सेम पावर रहेगी, बेटर फीचर्स रहेंगे जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी, साथ में यहाँ पर जो है आपको बेटर लुक्स देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज जो ओल्ड ड्यूक 200 है ना उसके अंदर बहुत छोटी सी कमी है, वो है मेजर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर ये वाला उस बाइक के अंदर दे दे मेरे हिसाब से कोई भी कमी नहीं रहेगी, बिकॉज वो वाला लुक ही बहुत बढ़िया है। लुक ज्यादातर लोगों को वो वाला पसंद है स्लीक वाला, बट हाँ ये वाला जो न्यू डिजाइन है, न्यू डिजाइन लैंग्वेज है, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये बाइक मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है बिकॉज इसकी सीट हाइट कम है एज कम्पेयर टू द ओल्डर ड्यूक 200, बिकॉज ऑफसेट जो मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम होता है इसकी वजह से जो है सीट हाइट कम हो जाती है बाइक की। सो चलाने में आसान रहती है बाइक, आपको ज्यादा बेटर ग्रिप, ज्यादा बेटर कंफर्ट, ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। सो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है ऑल न्यू ड्यूक 250। सो जो न्यू ड्यूक 200 है वो भी काफी कुछ सिमिलर आने वाली है। ड्यूक 390 जैसा नहीं आएगा बिकॉज वो थोड़ा सा आपको ज्यादा बल्कियर, एक ज्यादा आपको मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलता है। बाकी जो ड्यूक 250 है थोड़ा सा स्लीक डिजाइन के साथ आती है। सो ये वाला डिजाइन जो है आपको काफी कुछ सिमिलर देखने को मिलने वाला है न्यू ड्यूक 200 के अंदर। अब जो बाइक है वो जल्दी ही आने वाली है, अब ज्यादा टाइम रहा नहीं है उस बाइक के लॉन्च में मुझे लगता है, बिकॉज यहाँ पर जो है काफी टाइम हो चुका है। KTM ने कोई भी यहाँ पर जो है अपनी लाइनअप में चेंज नहीं किया है, ना कलर्स के अंदर चेंज किया है, ना बाइक्स के अंदर चेंज किया है। तो मेरे को लगता है जो नेक्स्ट मूवमेंट अब रहेगा वो रहेगा ड्यूक 200 के ऊपर। एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ये वाला कलर, ये वाला डिजाइन हमें देखते हुआ, तो ये वाला बहुत मच नीडेड जो है चेंज यहाँ पर हमें चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है ऑल न्यू ड्यूक 200 के बारे में, आपको क्या क्या फीचर्स के अंदर चाहिए, या फिर आप क्या क्या अनुमान लगा रहे हो कि ये सब चीजें आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर करेगा, इसे शेयर जरूर करेगा, ऐसे आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे लगता है इस समय इंडियन मार्केट में ड्यूक 250 काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बट हाँ, अगर आपको एक बिल्कुल परफेक्ट बाइक चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर हो, मतलब एक बार आप पैसा खर्च करो और आप काफी लंबे समय तक आप बाइक रख सकते हो, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो किसी भी चीज के साथ, तो मेरे हिसाब से ड्यूक 390 इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स यू कैन बाय इन इंडियन मार्केट। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है अभी इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।